Hi friends, welcome to my channel. Today we are going to do Unit 1 of Block 2 MPC 005 Research Methods. Friends, इस चैप्टर में जो ब्लॉक टू का फर्स्ट चैप्टर है उसमें हम सर्वे रिसर्च के बारे में पढ़ेंगे. अगर आप देखें तो सर्वे नाम आपने अक्सर सुना है, जहां हम लोगों से क्वेश्चंस करते हैं एंड उनके आंसर सीख करते हैं. अगर आप देखें तो ये चैप्टर की पूरी समरी होती है ऊपर की साइड, और यहीं से ही, इसी सेक्शन से ही आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो आपके असाइनमेंट के क्वेश्चंस हैं वो किस कहाँ से आए हैं, क्योंकि यहाँ से आपको बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे ही मिल जाएंगे और उसका डिटेल फिर आप अंदर देख सकते हैं. सो दैट वाज द टिप ऑफ द डे. नाउ वी विल प्रोसीड विद दिस चैप्टर. सर्वे मेथड जो है ये पेपर पेंसिल टेस्ट माना जाता है एक तरह का. और अगर आप देखें इसकी डेफिनेशन जो रिसर्च के लिए इम्पॉर्टेंट है वो है कि ये नॉन एक्सपेरिमेंटल है. फर्स्ट थिंग, नॉन एक्सपेरिमेंटल मतलब वी आर नॉट डूइंग दिस टेस्ट इन लेबोरेटरीज, लैब्स में नहीं कर रहे हम इस टेस्ट को. डिस्क्रिप्टिव रिसर्च मेथड है, यानी कि हम इसमें डिस्क्राइब करते हैं जो भी चीज़ें हम नोटिस करते हैं, और हम या फिर क्वेश्चनेयर के थ्रू इंफॉर्मेशन लेते हैं. देन ये क्वांटिटेटिव मेथड है, यानी कि हम ये बहुत सारे लोगों के ऊपर करते हैं. अगेन अगर आप देखें तो इसमें ये या तो क्वेश्चनेयर के फॉर्म में होता है या फिर इंटरव्यू के फॉर्म में हो सकता है. सो इंटरव्यू फेस टू फेस होता है, क्वेश्चनेयर आप एक पेपर पेंसिल टेस्ट के फॉर्म में भी ले सकते हैं. ये एक तरह का सोशल रिसर्च मेथड भी है, जिसमें हम जो डेटा कलेक्ट करते हैं तो दो तरीके से कर सकते हैं, एक डायरेक्ट मेथड से और एक इनडायरेक्ट मेथड. डायरेक्ट मेथड होता है जो फेस टू फेस इंटरव्यू होता है, इनडायरेक्ट मेथड होता है जो आप या तो ऑब्जर्वेशन से कर रहे हैं या फिर लाइब्रेरीज की बुक से पढ़ के कर रहे हैं. नेक्स्ट जो स्टेप है, नेक्स्ट जो सेक्शन है जो हम करने जा रहे हैं वो है स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन कंडक्टिंग सर्वे रिसर्च. जब आप कोई सर्वे कर रहे हैं तो आप हमें कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने ज़रूरी है. फर्स्ट है एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी. हमें ये पता करना ज़रूरी है कि हम जो सर्वे करना चाहते हैं उसका एम क्या है, और जब हमारे पास एक प्रिसाइज एम होगा, एक एग्जैक्ट एम होगा, तो हम स्पेसिफिकली क्वेश्चंस उसी के बेसिस पे बना सकते हैं. सो हमें एम पता होना चाहिए और हमारा ऑब्जेक्टिव भी क्लियर होना चाहिए कि क्या हम करना चाहते हैं, क्यों हम सर्वे करना चाहते हैं. देन डिफाइन दी पॉपुलेशन टू बी स्टडीड. सेकेंड स्टेप कहता है कि हमें वो पॉपुलेशन जिसके ऊपर आप स्टडी करना चाहते हैं, यानी जिसे हम टारगेट पॉपुलेशन कहते हैं, वो आपको बतानी पड़ेगी. दैट मीन्स आप किस तरह के लोगों के ऊपर रिसर्च करना चाहते हैं, किस पॉपुलेशन को आप लेना चाहते हैं. रूरल पॉपुलेशन लेना चाहते हैं, अर्बन पॉपुलेशन लेना चाहते हैं, अमेरिकन पीपल लेना चाहते हैं, नीग्रोज लेना चाहते हैं. सो वो डिपेंड करता है कि आप कौन सी पॉपुलेशन लेना चाहते हैं, वो आपको डिफाइन करना होगा. डिजाइन एंड कंस्ट्रक्ट अ सर्वे. जब ये है थर्ड स्टेप में हमें ये बताना होगा कि हम किस तरह का सर्वे करना चाहते हैं. हम टेलीफोनिक इंटरव्यू के थ्रू करना चाहते हैं या हम फेस टू फेस करना चाहते हैं, किस तरह का हम सर्वे करना चाहते हैं. फ्रेंड्स, जब हम ये डिफाइन कर देते हैं कि हमें किस तरह का सर्वे करना है, तो हमें एक पायलट स्टडी करनी होती है. पायलट स्टडी एक छोटा स्मॉल सर्वे है. पायलट स्टडी हमें हेल्प करता है ये पता लगाने के लिए कि हमने जो इंस्ट्रूमेंट तैयार किया है टेस्ट के लिए, सर्वे के लिए, वो कितना इफेक्टिव है, और हमें इसमें फ्लॉज और जो हम निकालना चाहते हैं, जो हम स्टडी करना चाहते हैं, क्या वो हो रही है या नहीं हो रही है, हमें वो कंक्लूड करके दे रहा है वही टेस्ट या नहीं. फोर्थ स्टेप जो है सिलेक्शन का, वो है रिप्रेजेंटेटिव सैंपल. नाउ जब हमने टारगेट पॉपुलेशन सिलेक्ट कर ली, तो टारगेट पॉपुलेशन में से हम ऐसे लोगों को सिलेक्ट करेंगे जो उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करती हो. स्टेप फिफ्थ कहता है एडमिनिस्टर द सर्वे. जब हमने सैंपल सिलेक्ट कर लिया, तो अब हम वो सर्वे उस सैंपल पॉपुलेशन के ऊपर कंडक्ट करेंगे.
सो वो किसी भी तरीके से हो सकता है. आगे हम पढ़ेंगे मेथड्स बहुत सारे हैं सर्वे करने के. एनालाइज एंड इंटरप्रेट, ये स्टेप 6 है. एनालाइज एंड इंटरप्रेट द फाइंडिंग्स ऑफ द सर्वे. नाउ जब हमने सर्वे कर लिया तो अब हम उस सर्वे की जो रिपोर्ट्स हैं उनको एनालाइज करेंगे. हम उनसे इंटरप्रिटेशन करेंगे कि हम कंक्लूड करेंगे उसके बारे में, स्टडी करके पता लगाएंगे कि जो हम जो चाहते थे इंफॉर्मेशन क्या वो हमें मिल रही है. प्रिपेयर द रिपोर्ट ऑफ द सर्वे इज द स्टेप 7, जिसमें हम ये बताएंगे कि जो भी हमने अभी तक रिसर्च करी, जो भी हमने स्टेप्स किए वो क्या क्या हैं इस रिपोर्ट में, हमें सारे डिटेल में लिखने पड़ेंगे. जैसे कि हमारा एम क्या था, ऑब्जेक्टिव, डाटा एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, डिस्कशन ऑफ द रिजल्ट, ये सारा कुछ हमारी रिपोर्ट में आना चाहिए. सो ये दैट वॉज द 7th स्टेप. 8th स्टेप इज कम्युनिकेट द फाइंडिंग्स ऑफ द सर्वे. जब हमने सर्वे कर लिया और उसकी फाइंडिंग भी निकाल ली तो हम जर्नल्स में डाल सकते हैं अपनी सर्वे की रिपोर्ट. हम शेयर कर सकते हैं बाकी लोगों के ऊपर एंड बाकी रिसर्चर्स को अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं कि दे कैन री स्टडी द थिंग्स दैट वी हैव डन. सो फ्रेंड्स, अभी तक हमने जो इस पेज में किए वो ये, हमने एक सर्वे की डेफिनेशन करी एंड देन हमने स्टेप्स किए जो सर्वे में होते हैं. नाउ वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, जो हमें ये बताएगा कि मेथड्स या इंस्ट्रूमेंट जिसे कहते हैं वो क्या हैं जब हम डाटा कलेक्ट करते हैं सर्वे रिसर्च में. सो कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हमें यूज़ करने पड़ते हैं. इसमें 3 इंस्ट्रूमेंट हमें दिए हैं, फिर उसके सब सेक्शन है. जैसे कि सर्वे करने के लिए, सर्वे का डाटा कलेक्ट करने के लिए हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत है. हमें सैम्पलिंग की ज़रूरत है. सैम्पलिंग हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि तरह तरह की सैम्पलिंग कैसी कैसी होती है. देन क्वेश्चनेयर की ज़रूरत है. अगर हमारे पास क्वेश्चनेयर नहीं होगा तो हम कैसे करेंगे. एंड देन थर्ड, इंटरव्यू की ज़रूरत होती है. तो ये 3 इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है डाटा कलेक्ट करने के लिए सर्वे मेथड में. वन बाय वन वी आर गोइंग टू टैकल इट. लाइक सैम्पलिंग, सैम्पलिंग जब सर्वे मेथड की होती है तो ये 2 तरीके से ज़्यादा प्रेफरेबल है. एक रैंडमाइजेशन, रैंडमाइजेशन होता है कि हम रैंडमली किसी को भी चूज कर रहे हैं और हम बायस नहीं है उस चीज़ के लिए. यानी जैसे हमने देखा था कि एवरी 7th पर्सन हम चूज कर लें या हम रैंडमली किसी भी पूरी पॉपुलेशन में से किसी भी एक पर्सन को चूज कर लें एज अ सैम्पल, ऐसे वो है रेंडमाइजेशन. देन स्ट्रेटिफिकेशन था कि हम सब कैटेगरीज कर ले, लाइक मेल, फीमेल, एजुकेटेड, अनएजुकेटेड, लाइक दैट. तो ये 2 तरह के सैम्पलिंग सबसे ज़्यादा होती है जब हम सर्वे मेथड करते हैं. नेक्स्ट है क्वेश्चनेयर. क्वेश्चनेयर मीन्स हम क्वेश्चंस, ये पेंसिल पेपर पेंसिल टेस्ट होगा और इसमें जो क्वेश्चनेयर होंगे वो मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस होंगे. सो हम क्या करेंगे इसमें, 3 तरीके से हम इस क्वेश्चनेयर को कर सकते हैं. एक मेल सर्वे से कर सकते हैं. इसमें हम क्या करेंगे कि हम मेल्स भेज देंगे, ईमेल जिसे हम कहते हैं सॉफ्ट कॉपी कहा जाता है. ईमेल के थ्रू हम जब करते हैं ये काम, सो इसकी सॉफ्ट कॉपी हम अपने सैंपल्स को भेज देंगे एंड उनको अपने टाइम से आंसर रिस्पॉन्ड करने के लिए अलाउ कर सकते हैं हम. इस मेथड के पॉजिटिव साइड क्या है, ये इनएक्सपेंसिव है, लेस टाइम कंज्यूमिंग है एंड कन्वीनियंट मेथड है दोनों के लिए, रिसर्चर्स के लिए भी और रेस्पोंडेंट्स के लिए भी. बट प्रॉब्लम इज दैट कि क्या जो आपको रेस्पोंडेंट्स हैं क्या वो कंप्यूटर सेवी हैं या नहीं है, उनको कंप्यूटर यूज़ करना आता है कि नहीं आता है, ईमेल यूज़ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं. और अगर कोई रेस्पॉन्ड नहीं करे तो वो भी एक ड्रॉबैक हो सकता है. सेकेंड मेथड है ग्रुप एडमिनिस्ट्रेटेड क्वेश्चनेयर. ग्रुप एडमिनिस्ट्रेटेड क्वेश्चनेयर में हम सैंपल को एक जगह बिठा देते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल, एंड उन सबको क्वेश्चनेयर दे देते हैं एंड दे डू दोज क्वेश्चंस, अटेम्प्ट दोज क्वेश्चंस, एंड अगर उनको कोई भी डाउट हो तो दे कैन आस्क इमीडिएटली. सो ये तो हो गया ग्रुप एडमिनिस्ट्रेशन का. नेक्स्ट है हाउस होल्ड ड्रॉप ऑफ सर्वे. इसमें जो रिसर्चर है वो क्वेश्चनेयर रेस्पोंडेंट के घर में ही डाल के जाएगा और वहीं से पिक भी करेगा. सो ये सफिशिएंट टाइम देता है रेस्पोंडेंट्स को क्वेश्चंस पढ़ने का और आंसर करने का. तो ये भी एक कन्वीनियंट मेथड हो सकता है ड्रॉप, पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी के साथ. नेक्स्ट जो वे है डाटा कलेक्शन का वो है इंटरव्यू. इंटरव्यू फेस टू फेस होता है. अगेन इसमें हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इंटरव्यू से हमें ऑनेस्ट आंसर्स मिलेंगे और लेकिन एक कंडीशन है कि हम जो इंटरव्यू ही है उसको हम
थोड़ा सा कंफर्टेबल बना के रखें, वरना वो कॉन्शियस हो जाएगा और हमें रेस्पॉन्ड नहीं करेगा ठीक से. इंटरव्यू में फिर फर्दर तीन तरीके के होते हैं, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू एंड टेलीफोनिक इंटरव्यू. जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू वो होता है जिसमें क्वेश्चंस की एक लिस्ट होती है और जब इंटरव्यू किया जाता है स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, सो हम पाइपलाइन में जो क्वेश्चंस आते जा रहे हैं एक के बाद एक हम पूछते जाते हैं. हमारे पास एक लिस्ट होती है क्वेश्चंस की, हम सीरियली वो पूछते जाते हैं और जो आंसर रेस्पॉन्डेंट देता है उसको हम नोट डाउन करते जाते हैं. सो ये बहुत ज़्यादा ही प्री प्लान्ड और प्रिपेयर्ड फॉर्मेट होता है, इसमें हम कुछ ऊपर नीचे नहीं कर सकते. अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू वो होता है जिसमें हम क्वेश्चंस कभी भी रैंडमली पूछ सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द वे इंटरव्यू इज रिस्पॉन्डिंग. मतलब जिस जो बंदा हमें इंटरव्यू दे रहा है वो किस तरीके से रेस्पॉन्ड कर रहा है, उस हिसाब से हम अपने क्वेश्चंस आगे पीछे करके उसको कंफर्टेबल फील करा के पूछ सकते हैं. टेलीफोनिक इंटरव्यू ये थर्ड मेथड है इंटरव्यू का, जिसमें हम टेलीफोन के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं एंड क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन इज जिसका आप इंटरव्यू ले रहे हैं उसके पास टेलीफोन फैसिलिटी है या नहीं है. लाइक रूरल एरियाज में टेलीफोन फैसिलिटीज नहीं होती, जो बहुत ज़्यादा ही बैकवर्ड एरियाज हैं. सो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है. नाउ फ्रेंड्स, इस टॉपिक को हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं. जो मेथड है डाटा कलेक्शन के सर्वे रिसर्च में, या इंस्ट्रूमेंट्स जो यूज़ किए जाते हैं डाटा कलेक्शन के सर्वे मेथड में, वो ये हैं. सैम्पलिंग, सैम्पलिंग में हमें दो तरह के सैम्पलिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, रेंडमाइजेशन एंड स्ट्रेटिफिकेशन. देन क्वेश्चनेयर, क्वेश्चनेयर में मेल सर्वे, ग्रुप एडमिनिस्टर्ड क्वेश्चनेयर, हाउस होल्ड ड्रॉप ऑफ. थर्ड होता है इंटरव्यू. इंटरव्यू तीन तरीके के होते हैं, स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड, टेलीफोनिक इंटरव्यूज. फ्रेंड्स, जो आप देख रहे हैं ये स्टार, स्टार का मतलब है ये टेस्ट में आ चुके हैं, एग्जाम्स में पहले भी आ चुके हैं. ऑल्सो ट्राई टू मेक फ्लो चार्ट लाइक दिस दैट आई लाइक मैंने बनाया है. मेथड्स में तीन तरीके के करके एंड उनके सब ग्रुपिंग करके, इससे हमारी मेमोरी में चीज़ें बहुत अच्छे से स्टोर हो जाती हैं. आपको कोई भी एक्स्ट्रा बुक करने की ज़रूरत नहीं है. टेक्स्ट अगर आप स्टडी मटेरियल को ही स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे तो दैट इज़ इनफ. आई एम द टॉपर ऑफ माय स्टडी सेंटर, सो आई कुड सर्टेनली गिव यू एडवाइस ऑन दिस थिंग. सो इट इज़ जस्ट कि आपको थोड़ा डिसिप्लिन्ड होके इस पूरे सिलेबस को अच्छे से पढ़ना होगा. आप जितनी बार पढ़ेंगे उतने ही परफेक्ट होते जाएंगे. फ्रेंड्स, अब हम नए एक और टॉपिक पे आ रहे हैं सर्वे रिसर्च के, जो टाइप्स ऑफ सर्वे रिसर्च क्या होते हैं. टाइप्स ऑफ सर्वे रिसर्च में दो तरीके के बताए हैं इन्होंने, क्रॉस सेक्शनल सर्वे एंड लॉन्गिट्यूडनल सर्वे. क्रॉस सेक्शनल सर्वे का मतलब होता है जब हम अलग अलग सेक्शंस या अलग अलग ग्रुप्स के ऊपर सर्वे करते हैं, जैसे कि मेल फीमेल, एज के एज की ग्रुपिंग करके करते हैं, या फिर नेशंस के बीच में करते हैं, या फिर ट्राइब्स के बीच में करते हैं, तो उस तरह को कहते हैं क्रॉस सेक्शनल सर्वे. इन्होंने एक एग्जांपल दिया है सोशलाइजेशन का, कि अलग अलग डिफरेंट एज ग्रुप के बच्चे किस तरह से सोशलाइज करते हैं. सो जो क्रॉस सेक्शनल सर्वे होता है ये लेस टाइम कंज्यूमिंग होता है, सिंस हम एक ही बार में कई ग्रुप्स को बांट के उसके ऊपर कर सकते हैं, और ये इकोनॉमिकल भी होता है, यानी पैसे खर्च नहीं होते ज़्यादा. सेकेंड जो सर्वे का मेथड बताया है इन्होंने वो है लॉन्गिट्यूडिनल. लॉन्गिट्यूडिनल वो होता है जिसमें हम टाइम गैप में करते हैं सर्वे. लाइक मैंने आज अगर मैंने इस साल 2020 में एक सर्वे किया है तो मोस्ट प्रोबेबली मैं नेक्स्ट सर्वे 2021 में देखूंगी, एंड देन नेक्स्ट सर्वे मैं 2022 में देखूंगी. लाइक इस तरह का जो टाइम लैप्स करके करते हैं, टाइम का गैप करके करते हैं, उसको हम लॉन्गिट्यूडिनल सर्वे कहते हैं. लॉन्गिट्यूडिनल सर्वे अगेन तीन तरह के होते हैं, ट्रेंड स्टडीज, कोहोर्ट स्टडीज एंड पैनल स्टडीज. ये इसी के ही सब सेक्शंस है लॉन्गिट्यूडनल सर्वे के. अगर आप देखें तो ट्रेंड स्टडीज का मतलब होता है एक पर्टिकुलर सैंपल जो होती है, पॉपुलेशन सैंपल होता है, उसका ट्रेंड क्या चलता आ रहा है. जैसे कि इन्होंने एक एग्जांपल दिया है कि लाइब्रेरी का यूसेज देखने के लिए, तो उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में हर साल जो ग्रेजुएट्स होते हैं वो लाइब्रेरी को किस तरह से यूज़ करते हैं, वो देखना ट्रेंड स्टडी मानी जाएगी. यानी किस तरह का फैशन चला आ रहा है, या फिर टाइम के बाद क्या वो ट्रेंड वैसा ही चला आ रहा है,
उसको स्टडी करने के लिए ट्रेंड स्टडी की जाती है, और इसमें जो सैंपल है वो चेंज होता रहता है, सेम सैंपल नहीं होता। जैसे कि सपोज मैं ग्रेजुएट स्टूडेंट की बात करूं, तो आज अगर मैंने जिन बच्चों का किया है वो अगले साल हो सकता है ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लें, तो उस बैच में नए उसी कॉलेज में फिर से दूसरे नए बच्चे आएंगे जो ग्रेजुएशन कर रहे होंगे। सो वो किस तरह से लाइब्रेरी यूज़ करते हैं और पहले वाला जो बैच निकल गया वो किस तरह से करता था, उसकी मैं स्टडी कर सकती हूँ। अगेन नेक्स्ट है कोहोर्ट स्टडीज़। कोहोर्ट स्टडीज़ मतलब हम एक ही बैच को, सपोज़ इन्होंने जैसे 2009 की बात की है, 2009 का जो बैच है उसके ऊपर एग्जामिन करना कि वो लाइब्रेरी को किस तरह से यूज़ करता है हर साल, चाहे वो स्कूल से बाहर भी हो जाए तो भी उनका किस तरह का उनको वो यूज़ कर रहे हैं स्टडी मटेरियल, लाइब्रेरी को किस तरह से यूज़ कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं या उनका सिस्टम चेंज हो गया, उनका एटीट्यूड चेंज हो गया है उसको यूज़ करने का। थर्ड है पैनल स्टडीज़। पैनल स्टडीज़ होता है जब हम कुछ लिमिटेड लोगों को सिलेक्ट कर लेते हैं एज अ सैम्पल और उनके ऊपर स्टडी करते रहते हैं कि वो उसी पर्टिकुलर हैबिट को कितने दिन तक रिटेन करते हैं, कितने टाइम तक रिटेन करते हैं, क्या उनके बिहेवियर में चेंज आता है उस पर्टिकुलर पैनल पे। पैनल का मतलब होता है कम काउंटेबल लोग, ज़्यादा नहीं होते उसमें, और हर बारी उसी सैम्पल को हम यूज़ करेंगे और उसके बिहेवियर, बिलीफ, एटीट्यूड, इस सब के ऊपर स्टडी करेंगे। सो हमने अभी फ्रेंड्स करा टाइप्स ऑफ सर्वे रिसर्च। टाइप्स ऑफ सर्वे रिसर्च में दो तरीके थे, क्रॉस सेक्शनल सर्वे एंड लॉन्गिट्यूडनल सर्वे। लॉन्गिट्यूडनल सर्वे के फिर से तीन पार्ट थे, ट्रेंड स्टडीज, कोहोर्ट स्टडीज एंड पैनल स्टडीज। फ्रेंड्स एक और चीज़ जो मैं बताना चाहूँगी, आप जब एग्ज़ाम की तैयारी करें तो ये जो टॉपिक्स हैं, टॉपिक्स को ज़रूर मेमोरी में रिटेन रखें, क्योंकि जब वो क्वेश्चंस आते हैं तो डायरेक्ट टॉपिक के ही नाम से क्वेश्चंस होते हैं। अगर आप इस तरह से टाइप्स ऑफ सर्वे रिसर्च इस तरह से तैयार करके रखेंगे तो यू वोंट फॉरगेट, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपको नहीं आता। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि हेडिंग्स को बहुत ध्यान से दिमाग में रख के तैयारी करें। नेक्स्ट टॉपिक इज़ कंस्ट्रक्टिंग अ सर्वे रिसर्च। जब हम सर्वे रिसर्च कंस्ट्रक्ट करते हैं तो डायरेक्ट हम इस टॉपिक पे यहाँ पे आ सकते हैं, बाकी वही सेम चीज़ रिपीट की गई है। अगर आप देखें तो सबसे पहली चीज़ जब हम सर्वे रिसर्च को कंस्ट्रक्ट करते हैं, पहली चीज़ हमारे को क्या होना चाहिए, हमारा कंटेंट, स्कोप और ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए कि हमारे दिमाग में हम करना क्या चाहते हैं अपने सर्वे में। सेकेंड, हमें कन्वीनियंट फॉर्मेट पता होना चाहिए, हम किस तरह के क्वेश्चंस करना चाहते हैं, स्केल वाला, एमसीक्यूज वाला कि लाइक डिसलाइक वाला। देन थर्ड, हमें फ्रेम करना होगा क्वेश्चंस इस तरह के हों जो बहुत इजीली अंडरस्टैंडेबल हों और वो वही चीज़ निकाल रहे हों जो हमें चाहिए है इन्फॉर्मेशन। फिर फॉर्मेटिंग किस तरह से होनी चाहिए क्वेश्चंस की, सो दैट हमें बेस्ट रेस्पॉन्स मिल सके। क्वेश्चंस ऑफेंसिव नहीं होने चाहिए, सेंसिटिव नहीं होने चाहिए, इस तरह के होने चाहिए जो हमारी रिसर्च में हेल्पफुल हो, और उनका सीक्वेंस भी बहुत अच्छे से डिफाइन करना चाहिए। नेक्स्ट, हमारी मॉरल वैल्यूज एंड एथिक्स वो इंटैक्ट होनी चाहिए जब हम ये सर्वे करते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस इन अ सर्वे रिसर्च, किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। जैसे हम अगर देखें तो क्वेश्चंस जो होते हैं वो स्ट्रक्चर्ड हो सकते हैं, स्ट्रक्चर्ड के फिर सबसेक्शंस हैं, एंड क्वेश्चंस जो हैं वो अनस्ट्रक्चर्ड भी हो सकते हैं। तो क्वेश्चंस बेसिकली दो तरह के होते हैं, स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड। स्ट्रक्चर्ड के फिर सब कैटेगरी है, जैसे कि डाइकोटॉमस। डाइकोटॉमस का मतलब होता है डाई, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, डाई मतलब टू, दो ऑप्शंस। तो जब डाइकोटॉमस क्वेश्चन जो होते हैं उसमें हमेशा दो ऑप्शंस होंगे, जैसे कि येस नो, मेल फीमेल, ट्रू फॉल्स, लाइक दैट, वो हो गया डाइकोटॉमस। सेकेंड है लेवल ऑफ मेजरमेंट बेस्ड क्वेश्चन, उसमें हमारे को इस तरह से कैटेगरी हो सकती है, जैसे कि नॉमिनल हो सकती है, ऑर्डिनल हो सकती है, एंड इंटरवल के बेसिस पे भी हो सकती है। जब नॉमिनल की बात आती है तो नॉमिनल में हमें, जैसे इन्होंने एक एग्जांपल दिया है कि क्लासिफिकेशन करने का, जनरल कैटेगरी है कि ओबीसी है या एससी एसटी है, लाइक दैट। एंड देन ऑर्डिनल की जब हम बात करते हैं तो इसमें रैंकिंग होती है कि आप कौन से, जैसे इन्होंने प्रायोरिटी बताई है कि सबसे बेस्ट ट्रेंडी टाइकून कौन सा है और लीस्ट ट्रेंडी टाइकून कौन सा है, उसके बारे में बताओ।
एंड देन इंटरवल, इंटरवल में जैसे 1 to 5 इंटरवल हमने रख दिया और बोला कि बताओ 1 से लेके 5 के बीच में किस कितना नंबर देंगे लाइक दैट. सो इन्होंने एक एग्जांपल भी दिया है जैसे कि फुल्ली फर्निश्ड लाइब्रेरी जो है यूनिवर्सिटी की वो है या नहीं है, वेल इक्विप्ड है कि नहीं है. तो आप क्या बताओगे, स्ट्रांगली एग्री, एग्री, कैन नॉट से, डिसएग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री, इस तरह के को हम इंटरवल कैटेगरी में डालते हैं. तो ये तो था स्ट्रक्चर्ड का. अगेन स्ट्रक्चर्ड की थर्ड कैटेगरी है जिसे कंटिंजेंसी क्वेश्चंस कहते हैं या फिल्टर क्वेश्चंस भी कहते हैं. जो कंटिंजेंसी क्वेश्चंस होते हैं उसका मतलब होता है एक क्वेश्चन के अंदर फिर से सब सेक्शन है. आप जब एक क्वेश्चन का आंसर देते हैं तो उसका सब सेक्शन आ जाता है. फॉर एग्जाम्पल दिस, जैसे कि ये हैव यू एवर रेगुलरली अटेंडेड द लाइब्रेरी ऑफ योर यूनिवर्सिटी. अगर आपने येस yes बोला तो फाइन, अगर नो बोला तो फिर से आंसर येस में आंसर देना होगा, नॉट नो में. इफ येस देन हाउ मेनी टाइम्स, अगर आपने किया है तो कितनी बार. फिर इनमें से इन ऑप्शंस आपको चूज करने होंगे. तो जब हम एक ही क्वेश्चन की सब कैटेगरीज बनाते हैं तो वो कंटिंजेंट क्वेश्चंस माने जाते हैं. नेक्स्ट है अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस. अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस होते हैं जो हमने रेंडमली पूछते हैं फेस टू फेस इंटरव्यू की तरह, और हम इसमें कोई सीक्वेंसिंग नहीं होती, वेल प्लान्ड नहीं होता. हम डिपेंड करता है कि हमें रेस्पॉन्ड कैसे कर रहा है इंटरव्यू ही, उसके बेसिस पे हम क्वेश्चंस करते हैं. अगेन छोटा सा टॉपिक बचे हैं छोटे थोड़े बहुत, जिसमें एक है प्रिकॉशंस वाइल डिजाइनिंग इंस्ट्रूमेंट. जब आप इंस्ट्रूमेंट डिजाइन कर रहे हैं सर्वे का तो आपको किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए. फर्स्ट पॉइंट है क्लियर, स्पेसिफिक, रेलिवेंट एंड शॉर्ट. जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो बहुत क्लियर होने चाहिए कि वो क्या पूछना चाह रहे हैं. बहुत स्पेसिफिक एंड रेलिवेंट होने चाहिए, मतलब सेंसिबल होने चाहिए, जो हमारी स्टडी है उसी के बेसिस पे होने चाहिए, और शॉर्ट होने चाहिए. सेकेंड पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है वो ये कि जो रेस्पोंडेंट है वो उस क्वेश्चन का आंसर दे सके, ऐसा क्वेश्चन ना हो जो उसको समझ में भी ना आए. थर्ड पॉइंट जो हमें ध्यान रखना है वो ये कि हमारी फुल एम्पैथी होना चाहिए रेस्पोंडेंट की तरफ, और हमें ऐसे क्वेश्चन अवॉइड करने चाहिए जो रेस्पोंडेंट पे निगेटिव इम्पैक्ट डाले. फोर्थ पॉइंट जो हमें ध्यान रखना है वो ये कि हमें कोई भी बायस नहीं करना रेस्पोंडेंट के साथ, हम भेदभाव नहीं कर सकते उसके साथ, या किसी और तरीके के अपने व्यूज उसके ऊपर थोप नहीं सकते. नेक्स्ट है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सर्वे रिसर्च. हमें क्या फायदे हैं, इसके पॉजिटिव पॉइंट क्या है और नेगेटिव पॉइंट क्या है. एडवांटेजेस मतलब पॉजिटिव पॉइंट. पॉजिटिव पॉइंट ये है कि सर्वे रिसर्च जो है बहुत कन्वीनियंट है, बहुत आसानी से हो जाता है, कम टाइम लेता है, कम पैसे खर्च करता है. सेकेंड पॉइंट है कि बहुत लंबे टाइम तक जब आप कर सकते हैं इसको, और ये चांस देता है बहुत कम चेंजेस को भी नोटिस करने का. थर्ड पॉइंट है कि हमें चांस मिलती है वेल ऑर्गेनाइज करने की, और स्टडी को फुल अच्छे से ऑनेस्टली करने की. अब हम डिसएडवांटेज पे जाएंगे. डिसएडवांटेज जो है वो क्या है कि ये प्राइवेसी नहीं रहने देता अगर हम ग्रुप इंटरव्यू क्वेश्चनेयर करते हैं. सो प्राइवेसी पे ज़रा सा ध्यान देना पड़ेगा. एंड लोग इसीलिए ऑनेस्ट भी नहीं होते जब ये ग्रुप क्वेश्चनेयर इंटरव्यू होता है, लोग अपनी रियलिटी को छुपाने की कोशिश करते हैं. सेकंड पॉइंट जो है वो ये है कि जब लॉन्गिट्यूडनल बेस्ड स्टडी करते हैं तो हो सकता है, यानी कि टाइम गैप के बाद, तो हो सकता है कुछ लोग रेस्पॉन्ड ही ना करें उसके बाद, या चले जाएँ, डिसअपियर हो जाएँ, आए ही ना स्टडी के लिए. तो ये चीज़ें हो सकती हैं. अब डिफ़िकल्टीज़ क्या हैं या इश्यूज़ क्या हैं जब हम सर्वे रिसर्च करते हैं, सो दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू नो. फर्स्ट पॉइंट है इशू ऑन सिलेक्टिंग द टाइप ऑफ सर्वे. सबसे बड़ा पॉइंट होता है कि हम किस तरह का सर्वे करना चाहते हैं. हम लॉन्गिट्यूडनल करना चाहते हैं, या हम क्रॉस सेक्शनल करना चाहते हैं, या किस तरह की हमें फिर अच्छा. अगेन इसमें अगर हम जब टाइप ऑफ सर्वे कर रहे होते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है, जैसे कि लैंग्वेज हम कौन सी यूज़ करें जिसके लिए हमारा रेस्पॉन्डेंट कम्फर्टेबल हो. ज्योग्राफिकल रिस्ट्रिक्शंस हो सकती है जब हम किसी और दूर दूर के लोगों को लेकर कलेक्ट करना चाहते हैं इन्फॉर्मेशन, तो ये एक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए बहुत डिफिकल्ट हो सकता है. सो ये बहुत ज़रूरी है. सेकंड इशू जो है वो ये कि सर्वे इंस्ट्रूमेंट आप कौन सा लेंगे.
आप किस तरह के क्वेश्चंस आपके क्लियर हैं कि नहीं है, वो क्लैरिफाई करते हैं जो आप पूछना चाहते हैं कि नहीं पूछना चाहते हैं, आपके क्वेश्चंस इतने बड़े तो नहीं है कि उसका मीनिंग ही ना कुछ निकले या फिर वो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाए. सो इस तरह के क्वेश्चंस का ध्यान रखना पड़ेगा. बायसेस इशू भी आ सकते हैं. बायसेस इशू मतलब कि हम हो सकता है उनके व्यूज से सेटिस्फाइड ना हो, या हमें वो चीज़ ना मिल रही हो जो हम सर्वे में करना चाहते हैं स्टडी, या हो सकता है कि हमें पता है कि रेस्पोंडेंट रियल नहीं है हमारे साथ एंड स्टिल हम कुछ कर नहीं सकते उसके ऊपर. फोर्थ पॉइंट है एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज. एडमिनिस्टर कैसे करेंगे हमारे बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं इसमें, जैसे कि कॉस्ट, अगर ज़्यादा खर्चा हो रहा है तो हमें सोचना पड़ेगा. मोड ऑफ सर्वे आप क्या रखना चाहते हैं, आप ईमेल के थ्रू करना चाहते हैं, टेलीफोन के थ्रू करना चाहते हैं. फिजिबिलिटी ऑफ द एरिया सिलेक्टेड, वहाँ पर आप जा सकते हैं जिस एरिया को आपने सेलेक्ट किया है स्टडी के लिए, आप क्या फेस टू फेस इंटरव्यू ले सकते हैं या कुछ और इश्यूज़ भी हो सकते हैं. फिर टाइम पीरियड कितना लगेगा वो भी एक इशू है कि आपकी रिसर्च कितने दिनों में ख़त्म होगी और आप कब उसके आउटकम्स निकालेंगे, वो भी एक इशू हो सकता है. तो फ्रेंड्स लास्ट टॉपिक जो था डिफ़िकल्टीज एंड इशू, इसमें स्टार है मतलब ये आ चुका है एग्ज़ाम में और इसके फोर इशूज़ इन्होंने बताए हैं. फर्स्ट सिलेक्टिंग द टाइप ऑफ सर्वे, सेकेंड issues on survey instrument, then third bias issues, and then fourth administrative issues. So again friends, ये पूरा जो chapter है ये मैंने आपको एक एक topic समझाया है. Let us revise, हमने क्या क्या किया. हमने introduction में देखा survey की definition के बारे में, and then survey की definition देखी. फिर हमने स्टेप्स देखे कि सर्वे में कौन कौन से यूज़ होते हैं. स्टेप वाइज इन्होंने मेंशन किया हुआ है पॉपुलेशन, जैसे कि हमारा एम सिलेक्ट करना, पॉपुलेशन सिलेक्ट करना, फिर डिज़ाइन सिलेक्ट करना, सैंपल सिलेक्ट करना, देन एडमिनिस्टर करना सर्वे को, फिर उसको एनालाइज इंटरप्रेट करना, रिपोर्ट बनाना एंड देन उसको कन्वे करना. फिर हमने मेथड्स पढ़े थे, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है जो यूज़ होते हैं, जैसे सैम्पलिंग, क्वेश्चनेयर और इंटरव्यू का. क्वेश्चनेयर के फिर सब सेक्शन थे, मेल सर्वे, ग्रुप एडमिनिस्ट्रेशन, हाउसहोल्ड ड्रॉप ऑफ. देन इंटरव्यू के थे, इंटरव्यू में हमने स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, टेलीफोनिक इंटरव्यू किया. देन हमने टाइप ऑफ सर्वेस किए जो क्रॉस सेक्शन एंड लॉन्गिट्यूडनल थे. लॉन्गिट्यूडनल के फिर सब सेक्शन से ट्रेंड स्टडीज, कोहोर्ट एंड पैनल स्टडीज था. एंड देन उसके आगे हमने कंस्ट्रक्टिंग सर्वे रिसर्च के बारे में उसके स्टेप्स पढ़े कि कैसे हमें करना है. एंड देन टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस इन अ सर्वे वो हमने बताया था, स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड. स्ट्रक्चर्ड में बहुत सारे थे जैसे कि डाइकोटोमस था, देन लेवल ऑफ मेजरमेंट बेस्ड क्वेश्चंस थे जिसमें हमने नॉमिनल, ऑर्डिनल और इंटरवल किया. एंड देन थर्ड फिल्टर और कंटिजेंसी क्वेश्चंस थे. फिर अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन था. फिर हमने एडवांटेजेस किए सर्वे के एंड डिसएडवांटेजेस किए, प्रिकॉशंस किए जब हम डिज़ाइन करते हैं इंस्ट्रूमेंट उसके, और देन डिफ़िकल्टीज एंड इश्यूज़ किया. सो दैट वॉज ऑल अबाउट दिस चैप्टर यूनिट 1 ऑफ ब्लॉक 2 रिसर्च मैथड MPC 005. फ्रेंड्स डू लेट मी नो आपको ये वीडियो कैसे लगते हैं, कितने इन्फॉर्मेटिव हैं, और लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. फिर से एक और नए वीडियो के साथ जल्दी ही आऊँगी. तब तक के लिए बाय, सी यू, टेक केयर.